हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आया हूँ, आलू पालक का। इसे आप खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। शुरू करने के लिए हम 2 से 3 बड़े चम्मच ले लेंगे तेल के कढ़ाई में, और तेल गरम होते ही हम उसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा, हम उसमें 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे, और प्याज को अच्छे से सौतें करना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, हम उसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। उसका कच्चापन ख़त्म होने तक उसको अच्छे से सेक लेंगे। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के, और साथ ही में थोड़ा सा जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच डाल के हम उसको अच्छे से सेक लेना है। जब तक सेकना है, जब तक मसाले में से तेल ना निकलते जाए। अगर आपको लगे बीच में कि मसाला थोड़ा सा जल रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर सेक लीजिए। अच्छे से सेकना है तेल निकलने तक। ऐसे देखिए, तेल निकलने लग गया है। अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। मैं यहाँ पे छोटे आलू का यूज़ किया हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। आप चाहें तो नॉर्मल आलू को भी बड़ा बड़ा काट के इसमें यूज़ कर सकते हैं। आलू को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए इसमें मसाले में, और रोस्ट होते ही हम इसमें पालक का प्योरे डाल देंगे। पालक का प्योरे तो बनाना सबको आता है, बहुत इजी है। पालक को ब्लांच करके बस उसको मिक्सी में चलाना होता है, क्योंकि पालक ऑलरेडी पका हुआ है, हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसको पकाते ही हम इसमें क्रीम का सब्स्टिट्यूट डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम यूज़ करिए, अगर क्रीम नहीं है तो 1 कप दूध डाल दीजिए इसमें। दूध डाल के बस 2 से 5 मिनट आपको लो फ्लेम में इसको अच्छे से पकाना है। ऊपर थोड़ा बहुत तेल दिखने लगेगा आपको, जब 1 बड़ा चम्मच घी इसमें डाल दीजिए, फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। आपके स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और आपका आलू पालक रेडी है। इसको गरम गरम सर्व करिए। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, जीरा राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। फ्रेंड्स, रेसिपी ट्राई करिए, पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।